ये बिल्कुल छात्रों के भविष्य को मजाक बनाकर रख दिया है, क्योंकि नेताओं का बेटा तो विधायक मंत्री बनेंगे, उनका बेटा थोड़ी बनेगा जेपीएससी, और बनेगा भी तो सीट को लोग 10-20 लाख में खरीदेगा ही। कौन सा नेता के बेटा परीक्षा का तैयारी में बैठा है जी? धांधली हो गया कहीं, धांधली चतरा और जमदारा से ठान के बैठा है। इन लोग का आंसू तब आएगा जब इनका मुख्यमंत्री अरेस्ट हो जाएगा। आज लाखों छात्रों का परीक्षा कैंसिल हो रहा है, तब तो ना मंत्री जी का किसी का आंसू आता है, ना मुख्यमंत्री का आ रहा है, ना गृह मंत्री का आ रहा है, ना कोई माननीय मंत्री का आ रहा है, ना विधायक का आ रहा है। जब वेतन बढ़ता है तो सब एक साथ हो जाते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। अब नौजवानों को तय करना होगा, उन्हें सड़क के साथ सदन में भी एंट्री करनी होगी, यही बेहतरी है और यही बेहतर रास्ता है। सरकार में बैठे जो लोग हैं उनके पास छात्रों का जो भविष्य कैसे बेहतर हो उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं हो पा रही है। आज जो लंबे लंबे भाषणों के साथ कि परीक्षा पेपर लीक होगा तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और आप ऐसा कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप किस पे करेंगे। छोटे मोटे लोग अरेस्ट हो गए तब 2000 लगा देंगे, कोई गरीब आदमी पकड़ा जाए, वीडियो सीओ पकड़ा जाता है तो तुरंत हाँ वीडियो पकड़ा गया, सीओ पकड़ा गया, पकड़े ना आईएएस पकड़ाया है, अवर सचिव पकड़ाया, देखते हैं उनको क्या सजा। बिल्कुल धज्जियां उड़ा रहा है वो वीडियो, परीक्षा नियमावली की धज्जियां उड़ाता हुआ दिख रहा है। अरे जेपीएससी वहां 5वां क्लास का परीक्षा में इस तरह का नहीं धांधली होता है, जो 5वीं ना 5वां तो हमने बहुत दूर का, नर्सरी के बच्चे, हम लोग यूकेजी से पढ़ाई स्टार्ट किए हैं, यूकेजी में हम लोग साफ सुथरा परीक्षा लिखे हैं, और यहाँ जेपीएससी की परीक्षा में इस प्रकार का कदाचार दिख रहा है।